हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है वॉल्स लाइक लोडेड पिस्तौल्स। इसका मतलब भाषण कला का इस्तेमाल करना सीखिए। इसका लेखक का नाम है सैम लेथ। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्जों में बताते हैं। वॉल्स लाइक लोडेड पिस्तौल आपको भाषण कला को पहचानने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में मदद करेगी। इसमें शामिल ऐतिहासिक, समकालीन और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से यह बताया गया है कि कैसे भाषण कला हमारी आम जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और क्यों हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। यह बुक किसके लिए है? कोई भी व्यक्ति जो सियासी जुमलों के पीछे का साइंस को समझना चाहता है, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स या राइटर्स बनना चाहते हैं। अध्याय नंबर एक, सभी भाषण कला का इस्तेमाल करते हैं, इससे बचना नामुमकिन है। हम सभी ऐसे खतरनाक लोगों से परिचित हैं जिन्हें ताकत और इन्फ्लुएंस, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स करके नहीं बल्कि चालाक और भाविक भाषण देकर मिली है। हिटलर और लेनिन समेत कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऐसे ही लोगों के उदाहरण हैं। हालांकि यह सच है कि भाषण कला का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि कई बार होता फिर भी है, पर फिर भी यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर हमारी इंसानी अतीत को तक समझने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। भाषण कला शब्द सुनते ही आपके नेताओं के झूठे और वास्तविकता से परे भाषण याद आते होंगे, पर सच यह है कि भाषण कला का इस्तेमाल हम सब करते हैं। भाषण कला लिखे हुए या बोले हुए शब्दों से किसी को इन्फ्लुएंस करने की कला को कहते हैं। इसलिए हम चाहे भाषण कला को कितनी भी पुरानी और धोखा देने वाली कला कहें, सच तो यह है कि ये बोलते समय भी हम भाषण कला का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भाषण कला की वजह से ही अपने दोस्तों और जॉब इंटरव्यू से अलग अलग तरह से बात करते रहते हैं। आप खुद से ही पूछिए कि कितनी बार आप बिना किसी को इन्फ्लुएंस करने के मकसद से भाषण का इस्तेमाल करते हैं। भाषण कला का इस्तेमाल से बचना मुश्किल है, क्योंकि शब्दों की मदद से ही कम्युनिकेशन यानी जानकारी का आदान प्रदान होता पाता है, और कोई भी जानकारी चाहे वो इमोशनल, साइंटिफिक या फैक्चुअल हो, हमारी भावनाओं को, विचारधाराओं पर असर डालती है। मौजूदा दौर की राजनीति में भी भाषण कला के इस्तेमाल से बचना नामुमकिन है, फिर भी इसे नीचे नज़रों से देखा जाता है। उदाहरण के लिए ओबामा के बारे में यह बोला गया था कि वो हवा में बातें करते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। उनके आलोचकों का मानना था कि ओबामा के पास बोलने के अलावा और कोई खास गुण नहीं है। देखा जाए तो यह बोलते समय उनके आलोचक भी भाषण कला का ही इस्तेमाल कर रहे थे। कोई भी नेता जब किसी दूसरे नेता पर सिर्फ भाषण देने का इल्जाम लगाता है, तो असल में यह नेता खुद भाषण कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। सच यह है कि जो लोग भाषण कला की आलोचना करते हैं, वो भी किसी न किसी तरह से इसका इस्तेमाल करके ही ऐसा कर पाते हैं। इंसान का अतीत और इंसानियत को समझने के लिए हमारा भाषण कला को समझना बहुत ज़रूरी है। भाषा की मदद से ही इंसानों का विकास मुमकिन हुआ है। जहाँ भाषा है, वहाँ भाषण कला भी है। इसलिए अब मानना गलत नहीं होगा कि जहाँ कोई भी इंसान, वहाँ भाषण कला भी होगी। वास्तव में वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भाषण कला का बहुत योगदान रहा है। ये योगदान अच्छे और बुरे दोनों तरफ के हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्कारों सही ढंग से काम करने के लिए भाषण और बहस पर आधारित रहती है, और समाज जिन कानूनों का पालन करता है वह केवल कानूनी शब्द ही है। कई बार शब्दों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए भी किया गया है, जिसे को दूसरे के साथ शांत शांति से बात करने के लिए क्रॉस पर चढ़ाया गया था। इसने उन पर खतरनाक विचारों को फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने स्मार्ट को भी को कभी कोई धमकी भी नहीं दी थी। यही बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शांतिपूर्ण एक्टिविज्म पर भी लागू होती है। दूसरी तरफ सभी तानाशाही सरकारें शब्दों को प्रोपगैंडा की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिटलर को सत्ता सिर्फ बल से नहीं बल्कि अपनी बातों से जर्मनी के असंतुष्ट लोगों के दिल को जीत कर मिले थे। हिटलर भाषण कला की मदद से ही जर्मनी का लीडर बना था। भाषण कला को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि लोग असल में आपसे क्या चाहते हैं।
और वो किस तरह आपसे उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग बाहर कला का इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, मिलिट्री का जोश दिलाने के लिए नेता अक्सर उन्हें लोगों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत और उन्हें दुश्मनों से बचाने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि जितने अच्छे से आप भाषण कला को समझेंगे, उतने ही अच्छे से आप समझ पाएंगे कि लोग असल में आपसे क्या चाहते हैं और कैसे वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह लोगों की असल इच्छा जानकर आप खुद को दूसरे द्वारा इस्तेमाल होने से बचा सकते हैं। हमें भाषण कला की ताकत का एहसास ऐतिहासिक रूप से हुआ। उदाहरण के लिए, शेक्सपियर के समय में भाषण कला लिबरल आर्ट शिक्षा का बेहद जरूरी हिस्से थे। अरस्तु ने इसे बहुत पहले ही भाषण कला का विवरण अपनी किताब रेटोरिमिक में दिया था। आगे हम अरस्तु की किताबें रोटरिक में शामिल बातों को समझेंगे। अध्याय नंबर 2, प्रभावशाली भाषण कला की शुरुआत अपने तर्कों को पहचानने और उसे साबित करने के तरीकों को सोचने से होती है। अरस्तु ने अपनी किताब रेटोरिक में भाषण कला को 5 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है इनोवेशन, यानी यह सोचने कि आप किसी भी दिए गए विषय पर क्या बोल सकते हैं। इनोवेशन भाषण कला का वो हिस्सा है जिसमें आप जो भी साबित करना चाहते हैं उसे अच्छे से परिभाषित करते हैं और उन तर्कों के बारे में सोचते हैं जो आपकी बातों को मान्यवता या साबित करने में मदद कर सकते हैं। अक्सर अपनी बातों को मनवाने या साबित करने के लिए कई तरीके होते हैं, पर आपको वो तरीका चुनना चाहिए जो आपको ऑडियंस के साथ मेल खाए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी ऑडियंस की लाइफ, फिलोसफी, प्रेजुडिसेस और डेमोग्राफी का पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको अलग अलग ऑडियंस को अपना कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन मेथड अपनाने के लिए मनाना है। अब अगर आपकी ऑडियंस में बहुत सारे मैनेजर्स हैं तो आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि आपका मेथड कितना प्रभावशाली है और किस तरह से ये ज़्यादा समय बचाता है। अगर आप एचआर के लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे आपका मेथड दो पार्टीज को एक दूसरे से अच्छे से बर्ताव करने में मदद कर सकता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि आप कौन सी बातें मनवाना या साबित करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, अब आप ऐसा करने के लिए पर्सुएशन के 3 मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सुएशन का पहला मोड एथोस है। यह बोलने वाले की ऑथोरिटी और उसके खुद को पेश करने के तरीके से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, जब एक कैनेडी ने जर्मन भाषा में इच बिल एन बलिनियर, यानी मैं एक बलिनर हूँ कहा था, तब वो अपनी जर्मनी ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए एथोस का ही इस्तेमाल कर रहे थे। प्रसुवेशन का दूसरा मोड लोगोस है। इसमें बोलने वाले व्यक्ति अपनी लॉजिक और तर्कों पर ध्यान देता है। यह बात याद रखना जरूरी है कि तरह तरह की सभ्यताओं के लिए अलग अलग तरह के तर्कों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, कई मॉडर्न लोगों को यह बात सही लगेगी कि पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, पर इस तरह के तर्कों से शायद किसी पुरानी सभ्यता पर कोई असर पड़े। प्रसुवेशन का आखिरी मोड पोथोस है, यानी भावनाओं पर विशेष जोर देना। उदाहरण के लिए, अक्सर एनिमल अब्यूज के आंकड़े दिखाने के मुकाबले एक उदास बीमार और प्यारे जानवर के फोटो दिखाने पर निर्बल सेंटर के लिए ज़्यादा डोनेशन आते हैं। अब हम फिर से अरस्तु द्वारा 5 भागों में बांटे गए भाषण कला के ढांचे पर ध्यान देते हैं। अच्छी भाषण कला के लिए प्रभावशाली ढांचे का होना सबसे जरूरी है। ऐसा इसलिए, अगर लोग आपके तर्कों को बिना किसी दिक्कत के समझ पाएंगे तो आपके आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रयोज्य होंगे। ऐसा करने के लिए आप अपने आर्गुमेंट के सबसे अच्छे तर्कों पर जोर दें और अपने कमजोर तर्कों को जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। आप अपने आर्गुमेंट को और बेहतर बनाने के लिए क्लासिक इंट्रोडक्शन, मिडिल और कंक्लूजन कहानी ढांचे के अलग 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 रूपों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके स्पीच को 6 हिस्सों में बांट देगा। इस कहानी ढांचे का पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन है। इसमें आप अपने एथेस पर ध्यान देते हैं। ऐसा आप अपने ऑडियंस का ध्यान और भरोसा जीत कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद कहानी ढांचे का दूसरा हिस्सा नरेशन आता है। इस हिस्से में आप अपने विषय का एक ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू देते हैं। इसके बाद तीसरा हिस्सा डिवीजन आता है। इसके द्वारा आप अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों के आर्गुमेंट्स में समानताएं और अंतर बताते हैं।
आपके अग्रीमेंट का प्रूफ कहानी के ढांचे का चौथा हिस्सा है। इस हिस्से से आपको अपनी बातों को साबित करने के लिए लोगों से यानी अपने तर्कों का इस्तेमाल करना होता है। इसके दौरान आप अपने आर्गुमेंट पर प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उठाए जा सकने वाले ऑब्जेक्शन के बारे में सोचते हैं और इन सभी ऑब्जेक्शन का बारी बारी से जवाब देते हैं। अंत में कहानी ढांचे का आखिरी हिस्सा कंक्लूजन आता है। इसमें आप पोथोस का इस्तेमाल करके अपनी बातें अच्छी तरह ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। पोथोस यानी भावनाओं पर जोर देकर आप अपने तर्क से ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं। पर हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये सारे अब्सोल्युट नहीं बल्कि जनरल रूल्स हैं। इसका मतलब है कि कभी भी आपको अपनी स्थिति के मुताबिक ऊपर दिए गए कहानी ढांचे में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा आप कहानी ढांचे के कुछ हिस्से निकाल कर या उसमें कुछ नया बदलाव करके कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त की शादी में बेस्ट मैन हैं तो आपको अपने स्पीच में प्रतिद्वंद्व के ऑब्जेक्शन के जवाब शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अग्रीमेंट के ढांचे को हल्के में लें, क्योंकि ये एक अच्छे अग्रीमेंट के लिए एक ठोस ढांचा सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये बात हमेशा सही रहेगा चाहे आप आर्गुमेंट लिखकर कर सक अग्रीमेंट लिख कर करें या बोलकर। अध्याय नंबर 3, स्टाइल, मेमोराइजेशन और डिलीवरी। अरस्तु के 5 भागों में बांटे गए ढांचे के आखिरी हिस्से हैं। आप जो बातें कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, पर वही सब कुछ नहीं। आपके आर्गुमेंट का स्टाइल यानी आपके तर्क करने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। असल में लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं, यह बहुत हद तक आपके आर्गुमेंट के स्टाइल पर निर्भर करता है। अपने आर्गुमेंट में प्रभावशाली स्टाइल को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह की बातों पर कैसा प्रतिक्रिया देंगे। आप अपने आर्गुमेंट में शेक्सपियर की तरह मीठी बातें बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं करने में ही भलाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के लोगों को ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं आती और वो इसे नीची नज़रों से देखते हैं। अब लोग उनके बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मीठी बातें करते हैं, ज़्यादा प्रोसेसिव बनने के लिए आपको सीधा और आसान भाषा का ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बातें दिखावटी नहीं लगेगी। यदि याद रखिए, इस तरह से सीधी और आसान भाषा में बात करना भी भाषण कला का एक हिस्सा है। इस पर कोई भी प्रैक्टिस करके मास्टरी हासिल कर सकता है। इसमें नेचुरल स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ऊंचे दर्ज के वक्ता का लेखक जैसे कि अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हाई और लो दोनों तरह के स्टाइल को इस्तेमाल करना जानते हैं और इन्हें अच्छे से अपनी भाषा कला को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी स्पीच में छोटे छोटे स्टिक वाक्यों के साथ कुछ डिटेल एस्टिमेंट्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा पर्सुएटिव बन जाएगी। आपकी स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी अच्छी हो या मेमोराइजेशन और डिलीवरी के बिना अधूरी है। अक्सर दो एक्सपर्ट जब एक ही रोल के एक ही डायलॉग से बोलते हैं तब तो भी उनके परफॉर्मेंस का ऑडियंस पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि एक एक्टर अपने डायलॉग्स को बोलते समय हकलाने लगे और दूसरा एक्टर उन्हीं लाइन्स को इतने अच्छे से बोल दे जैसे कि वो उसके अपने खुद के विचार हो। मेमोराइजेशन और डिलीवरी भी आपकी ऐसे करने में मदद कर सकता है। बदकिस्मती से कई लोगों के लिए भाषण कला का ये आखिरी हिस्सा बहुत ज़्यादा मुश्किल और डरावने हिस्से हैं। कुछ लोगों को मेमोराइजेशन और डिलीवरी की चिंता से स्टेज फ्राइट यानी स्टेज पर बोलने से डर हो जाता है। कभी कभी इन लोगों का दिमाग पूरी तरह ब्लैक भी हो जाता है। पर आपके पास मेमोराइजेशन और डिलीवरी को सीखने के लिए अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि जो भी आप बोलना चाहें वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठा ना जाए। या प्रभावशाली रूप से बोलने का सबसे अच्छा तरीका है। भाषण कला का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्रों में होता है। हंस एक खिलौना की दुकान है। सेंटर स्टेज, एक बच्चा अपने माता पिता से कोई बहुत महंगा खिलौना खरीदने की जिद कर रहा है। यह हंस राजनीतिक भाषण कला का एक प्रमुख उदाहरण है। अब हम समझे कि यह कैसे काम करता है। राजनीतिक भाषण कला का मकसद सुनने वाले लोगों को किसी खास काम को करने के लिए मनाना होता है। आमतौर पर राजनीतिक भाषण कला में यह तर्क दिया जाता है कि इस काम को करने से लोगों का फायदा होगा या ये काम करना नैतिक रूप से जरूरी है। कभी किसी काम को करने के पक्ष में ये दोनों तर्क साथ में दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा
अपने माता पिता से वादा कर सकता है कि यदि वह उसे 5,000 की इलेक्ट्रिक कार खरीद कर देते हैं तो वह बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। या ये कहकर उसके सभी दोस्तों के पास ये खिलौना पहले से ही है, वो दुनिया में बराबरी की जरूरत पर अपने तर्क दे सकता है। इसी तरह राजनीतिक उम्मीदवार भी लोगों के समर्थन और उनके वोट लेने के लिए तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राजनीतिक भाषण कला के अलावा भी भाषण कला के कई रूप हैं। इनमें से जुडिशियल या परफॉर्मेस्टिक भाषण कला बहुत प्रसिद्ध है, यह कोर्टरूम की भाषण कला है। इसमें तर्कों का इस्तेमाल इंसाफ पाने के लिए किया जाता है। इसमें हम पता लगा सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ था और उसकी मदद से हम जानते हैं कि कौन सी घटनाएं सच में हुई थी और कौन सी घटनाएं झूठी है जो कभी असलियत में नहीं घटी। इसके मदद से किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित किया जा सकता है। अक्सर दोनों तरह की भाषण कला एक साथ काम करती है। उदाहरण के लिए आप बिल क्लिंटन के उनके मोनाकिया लेवेस्टी के साथ एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर के बारे में दिए गए प्रसिद्ध सार्वजनिक बयानों को देखें। उन्होंने जुड़ियल भाषण कला का इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने अतीत की घटनाओं को याद करते हुए यह दावा किया कि उन्होंने कभी भी इस व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाए थे, लेकिन उनकी दलील राजनीतिक थी क्योंकि उन्होंने यह तर्क जनता को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल किए थे। इसलिए अगली बार जब आप एक जटिल भाषण या लेख को देखें तो ये समझने की कोशिश करें कि लेखक या वो नेता क्या मनवाने या साबित करने की कोशिश कर रहा है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप विचारों का एक समझदार उपभोक्ता और एक समझदार वोटर बन सकते हैं। कुल मिलाकर भाषण कला हमारे चारों ओर मौजूद है। अगर आप एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि अरस्तु ने कहा, आपको अपने लिखित और बोलकर दी जाने वाली स्पीच के हर पहलू पर मास्टरी हासिल करनी चाहिए। इसमें आपकी स्पीच का टोन, स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस और डिलीवरी भी शामिल है।